हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एब्डोमिन पेन के ट्रीटमेंट के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे कि टैबलेट मेफ्टलस्पास क्या है, इसका क्या यूज है, साइड इफेक्ट क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है और इसका क्या मैकेनिज्म है। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। टैबलेट मेफ्टलस्पास क्या है? टैबलेट मेफ्टलस्पास स्पास्मोडिक ड्रग्स हैं। यह हमारे हो रहे पेट में दर्द और पेट में सूजन से राहत दिलाता है। अगर आपके पेट में ऐंठन है तभी यह टैबलेट राहत दिलाता है। अब आइए हम जान लेते हैं कि मेफ्टलस्पास में क्या कंपोजिशन है, क्या सॉल्ट मिले हुए हैं। मेफ्टलस्पास में दो कंपोजिशन है, पहला डाइसाइक्लोमाइन और दूसरा मेफ्नेमिक एसिड। डाइसाइक्लोमाइन स्पास्मोडिक ड्रग्स है। डाइसाइक्लोमाइन हमारे हो रहे पेट में दर्द से राहत दिलाता है और मेफ्नेमिक एसिड यह एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है। यह हमारे आंतों में सूजन या आंतों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो तो उसे रिलैक्स करके हमें आराम दिलाता है। अगर आपके पेटों में ऐंठन हो तो यह मेफ्नेमिक एसिड उससे हमें आराम दिलाता है। अब आइए हम जान लेते हैं कि टैबलेट मेफ्टलस्पास का क्या यूज है। हमारे पेट में किसी प्रकार के हुए दर्द से यह राहत दिलाता है। अगर पीरियड के दौरान आपके एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन है उस वक्त भी मेफ्टलस्पास हमें दर्द से राहत दिलाता है। आंतों में सूजन या आंतों में ऐंठन से भी हमें राहत मिलता है। अब आइए हम जान लेते हैं कि मेफ्टलस्पास का क्या साइड इफेक्ट है। मेफ्टलस्पास का कॉमन साइड इफेक्ट है जैसे कॉन्स्टिपेशन, नौजिया, वोमिटिंग या शरीर में भारीपन लगना। इस प्रकार के हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं। मेफ्टलस्पास का कॉन्ट्राइंडिकेशन अस्थमा वाले पेशेंट को हम लोग मेफ्टलस्पास टैबलेट का उपयोग बिल्कुल ही नहीं देते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इफ़ यू लाइक माय वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड आल्सो गेट सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ऑसम।